नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेरणा उबाणे, हिंदी विभाग प्रमुख, बोर्डन महाविद्यालय स्वायत्त, पुणे 5। आज हम इकाई 1 को फिर से आकलन करने की कोशिश करेंगे। फिर से आकलन का अर्थ ये है कि इकाई 1 में आपने वर्ण विचार के संदर्भ में अलग अलग पाठ पढ़े। हमारा जो हिंदी भाषा शिक्षण का ये पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में आपने भाषा, उसके संदर्भ में आने वाले अनेक घटक, जैसे वर्ण है, लिपि है, स्वराघात है, संधि है, विसर्ग, जैसे अनेक संदर्भों में, अनेक तत्वों के संदर्भों में आपने पढ़ाई की। और अब इन संदर्भों को ही एक बार फिर से हम अवलोकन करेंगे। मानो हम कह सकते हैं कि इस इकाई को हमें एक बार फिर से देखना है और इसके माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। ये प्रश्न जो है, ये आपको कहीं ना कहीं इस पूरी इकाई पर विचार करने के लिए बाध्य करेंगे, और केवल बाध्य ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि आप खुद अपने आप सहज भाव से, स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में इस पर विचार करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, और जरूर ही आपको ये पता चलेगा कि वर्ण विचार के संदर्भ में जो कुछ बातें हमने पढ़ी है या जिन बातों का अध्ययन हमने किया, वो सारी बातें जो है किस प्रकार से भाषा विज्ञान से अभिन्न रूप से संबंधित है और ये हमारे भाषा शिक्षण में किस प्रकार से सहायता करती है। इसलिए हम इस पहली इकाई पर पुनरावलोकन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये इकाई जब हमारी खत्म हो जाएगी, उस समय जो है आपको एक नई इकाई का अध्ययन भी करना है, उसकी शुरुआत हमें करनी है। और उसकी शुरुआत के पहले ये जो पहली इकाई में आपने जिस बात का अध्ययन किया, वो आपके दिमाग में, आपके मन में बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए कि भाषा के संदर्भ में जो कुछ विचार आपने पढ़े हैं, वो सारे तत्व, घटक, विचार, जो मुद्दे हमने, जिनके बारे में चर्चा की है, वो सारे आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। क्योंकि अगला जो हम एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम इकाई 2 कहेंगे, इकाई जो है लघु कथाओं की इकाई है, और वो एक भाषा की ही दृष्टि से आपको जिनका अध्ययन करना है। कुछ लघु कथाओं का समावेश इसमें है, लेकिन उसके पहले जो है हम एक बार फिर से अपनी भाषा को बिल्कुल मजबूत करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं वर्ण विचार, ये जो इकाई हमने पढ़ी, इस वर्ण विचार में हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सीखी है कि सबसे पहले हमने इसमें देखा कि हिंदी वर्णमाला, कि हिंदी में अ से ज्ञ तक किस प्रकार से वर्ण बने हुए हैं और उन वर्णों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसे कैसे लिखते हैं, उसका मौखिक रूप में उच्चारण कैसे होता है, और हम उसे लिखते समय जो है उसकी जिस प्रकार से बनावट की गई है, जिस प्रकार से उसे एक मानक रूप दिया गया है, वो भी हमने हिंदी वर्णमाला में देखा। दूसरा पाठ आपने पढ़ा है लिपि का। लिपि का एक महत्वपूर्ण पाठ आपने पढ़ा, जिसमें देवनागरी लिपि, उसका नामकरण, उसके संदर्भ में आपने थोड़ा सा परिचय भी देखा होगा कि देवनागरी को देवनागरी क्यों कहा जाता है, कि उसके पीछे के विद्वानों के संदर्भ, विद्वानों के क्या मत है, ये भी आपने देखे होंगे। और जरूर ही आपने इसके संदर्भ में इसकी वैज्ञानिकता को जांचा होगा। मैंने एक हमारे पाठ में बताया था आपको कि देवनागरी लिपि ये दुनिया की सबसे विशुद्ध लिपि मानी जाती है, सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, और उस वैज्ञानिक दृष्टि से उसका अध्ययन जो है आपने जरूर इसमें किया होगा। लिपि के संदर्भ में व्याकरणिक दृष्टि से विद्वानों ने किस प्रकार से नियम बनाए हैं, ये भी आपने देखे। और उसके बाद जो है आपने देखा वर्णों का उच्चारण, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ
उच्चारण की दृष्टि से आपने पढ़ा कि प्रत्यक्ष रूप से जब उच्चारण किया जाता है तब हमारा नाग यंत्र और उच्चारण प्रणाली किस प्रकार से होती है, कि अवयव किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी सहायता से मनुष्य कैसे भाषा बोल पाता है, वर्णों का उच्चारण कर पाता है। और इतना ही नहीं, बहुत अधिक विस्तार से हमने इस पे देखा कि वर्ण जो है किन किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उसे विभाजित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात हमने वर्णों के उच्चारण के संदर्भ में सीखी। फिर है स्वराघात। स्वराघात का मतलब है कि आप किस प्रकार से किसी स्वर पर, किसी व्यंजन पर भी बलाघात देते हैं। अंग्रेजी भाषा यदि आपको मालूम होगी तो आपको, या आपने बहुत गहराई से पढ़ी होगी, कुछ क्रियाएं जो हैं अंग्रेजी की बलपूर्वक विशिष्ट रूप से कही जाती हैं, उनका उच्चारण जो है किसी विशिष्ट वर्ण पर जो है बल देकर होता है। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि ऐसे कुछ समान से शब्द भी मिल जाते हैं अंग्रेजी में कि जो बिल्कुल उच्चारण अगर हम ठीक से नहीं करें तो उसका अर्थ बदल जाता है। उच्चारण ठीक से नहीं करें का मतलब क्या है, कि बल आपका जिस प्रकार से किसी वर्ण पर पड़ता है वैसे उस वर्ण से उस शब्द का संदर्भ पता चलता है। वैसे ही हिंदी में भी स्वराघात, व्यंजन पर आघात, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। इसमें मात्रा, सुर, बलाघात, ये जो ध्वनि गुण है ये विशिष्ट रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं ये आपने देखा। और अंतिम जो था संधि, कि संधि का एक पाठ कि आप जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वो शब्द कैसे निर्माण हुए हैं और उन शब्दों के अर्थ क्या हैं ये भी आपने देखे। ये एक महत्वपूर्ण पाठ हमें संधि का दिखाई देता है कि एक एक चरण हम कैसे आगे बढ़े हैं भाषा के संदर्भ में, ये इन सारे पांच पाठों के माध्यम से आपको पता चलेगा। कि वर्णमाला की भाषा की सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं, उसके बाद लिपि, वर्ण को जिसपे हमें लिखना है वह वर्ण, जिसका उच्चारण हमें करना है कि भाषा तभी समझ में आएगी। स्वराघात, कि भाषा को कैसे कहना है, भाषा को कैसे बोलना है, भाषा को किस प्रकार से बल देना है, नहीं देना है, कहाँ पर रुकना है, ये भी हमने देखा। और अंततः हमने देखा कि शब्द जो है उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उनका निर्माण कैसे हुआ है, दो शब्द मिलाकर भी कुछ शब्द कैसे बने हुए हैं। और हिंदी का शब्द भंडार जो है इतना विकसित है कि उसमें करोड़ों शब्द हमें दिखाई देते हैं। कि दुनिया की ये एक ऐसी भाषा हमें मिलती है कि जिसमें जिसका शब्द संचय जो है सीमित नहीं रहा। कि भारतीय संस्कृति हो, भारतीय संस्कृति के भी अनेक जो प्रांत है उनकी भाषाएं, उनके भी कुछ शब्द संदर्भ हमने हिंदी भाषा में लिए हैं। वैसे ही अंग्रेजी के लिए है, फारसी के लिए है, और इसी कारण जो है हिंदी का शब्द भंडार बहुत ही विशाल हुआ है। ये हमारी हिंदी भाषा, जिसके बारे में हमने पहली इकाई में वर्ण के संदर्भ में विचार किया कि भाषा के संदर्भ में ये सारी मूल बातें हैं, ये किसी भी व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक होता है या मालूम होना बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर ये सारे जो पाठ आपने पढ़े इसके संदर्भ में कुछ प्रश्न मैं आपको अभ्यास के लिए देना चाहती हूँ, कि ताकि आप इस पर सोचकर पुनर्विचार करते रहें। यह आपके गृह पाठ की तरह है कि आपको इसके बारे में लिखना भी है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, आप इसके बारे में सोचेंगे भी, और हो सके तो आप इसके संदर्भ में, इसके बारे में पढ़ते समय कि और भी इससे अलग कुछ प्रश्न भी निर्माण करेंगे। यह आपके चिंतन के लिए आपके सम्मुख रखे जा रहे हैं, जरूर इस पर गौर करें। देखिए कि आपने ये पाठ पढ़े उस संदर्भ में मैंने सारे कुल मिलाकर कुछ दीर्घोत्तरी, कुछ लघुत्तरी
और बिल्कुल आपकी सहायता हो जाए कि आपके चिंतन के लिए, आपके अभ्यास के लिए, आपके अध्ययन के लिए। ऐसे कुछ प्रश्न आपके सामने मैंने रखे हुए हैं कि जैसे भाषा की परिभाषा स्वरूप क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, मनुष्य भाषा को इंद्रियों के माध्यम से कैसे समझ पाता है, हिंदी वर्णमाला को स्पष्ट कीजिए, हिंदी वर्णमाला की विशेषताओं का विवेचन कीजिए, लिपि की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, देवनागरी लिपि के गुणों को विश्लेषित कीजिए, वर्णों के स्थान के आधार पर कौन से भेद किए जाते हैं। अब ये सारे प्रश्न जो है ये आपने पढ़े हुए पाठों में ही आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पाठ आपने पढ़े वो एक बार आप दोहराते हैं तो ज़रूर आप इस पर लिख सकते हैं और अधिक पढ़ सकते हैं, और भी कुछ आपकी जिज्ञासाएं निर्माण हो सकती हैं। प्रश्न आपके लिए इसीलिए दिए हैं कि आप इस पर ज़्यादा सोच विचार करें, आपकी जिज्ञासाएं निर्माण हो कि भाषा के संदर्भ में जो कुछ आप महसूस करते हैं कि इन पाँच पाठों को पढ़ने के बाद आपको जो लगता है भाषा के संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में, वो भी आप जाने। और ये कुछ प्रश्न जो है इसी तरह से बनाए गए हैं। आगे देखिए, अभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के कौन से भेद किए जाते हैं, बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के मुख्य कौन से दो भेद किए जाते हैं, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के प्रकार बताइए, उच्चारण के अनुसार किए जाने वाले स्वरों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को किन वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर एकाध कोई महत्वपूर्ण बात होगी किसी प्रश्न के संदर्भ में, मैं जरूर बताना चाहूंगी। अब ये उच्चारण के संदर्भ में जो प्रश्न आए हैं कि जो स्वरों के प्रकारों के संदर्भ में है या व्यंजनों के संदर्भ में है, आपने एक चित्र पिछले पाठ में देखा, और वर्णों के उच्चारण के संदर्भ में ये पाठ था कि जिसमें औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में एक मैंने चित्र आपको दिखाया था। वो चित्र आपको इस समय याद रखना है कि उच्चारण के अनुसार जब ये स्वरों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए या व्यंजनों को किन वर्गों में बांटा गया है, ये जो प्रश्न मैंने दिए हैं उसकी सहायता से आप जरूर लिख पाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जहाँ पर कुछ चित्र बनाने भी जरूरी है, और वो चित्र भी आप बिल्कुल बना सकते हैं कि यहाँ पर जैसे उच्चारण के लिए मैंने कहा है तो उन स्वरों को, व्यंजनों को बताते हुए कुछ आप अपनी ओर से रेखाओं को खींचकर चित्र बना सकते हैं, बिंदु बना सकते हैं, और उन बिंदुओं के आधार पर जो है व्यंजनों को, स्वरों को किस तरह से विभाजित किया गया है वो एक लिखा जा सकता है। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर आप एक टेबल बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं, उस तरह से भी लिखा जा सकता है, और वो बहुत ही सरलता से ध्यान में रखने के लिए भी आपके लिए होगा। इसलिए सारे ही प्रश्न जो है उन सभी प्रश्नों को ठीक से समझिए, उन सारे प्रश्नों को आप कैसे लिख सकते हैं, उसमें और अधिक अच्छी तरह से आप क्या जोड़ सकते हैं ये भी सोचिए। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण के संदर्भ में कौन सी मूल बातें दिखाई देती हैं, स्वराघात किसे कहते हैं, सोदाहरण समझाइए। अब यहाँ पर सोदाहरण जब बना है तो उस समय सोदाहरण का मतलब है कि आपको यहाँ पर स्वरों के कुछ उदाहरण देने होंगे, कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण देने होंगे कि जिसमें स्वराघात किया जा रहा है, बलपूर्वक उसे कहा जा रहा है, और ऐसे चार पांच उदाहरण देकर उनको विश्लेषित करना होगा, ये इन प्रश्नों में जरूरी है। फिर आगे देखिए, स्वराघात संबंधी नियम प्रतिपादित कीजिए, देवनागरी वर्णमाला का स्वर और व्यंजनों के उच्चारण के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने वाला कोष्ठक तैयार कीजिए। अब यहाँ पर देवनागरी वर्णमाला जो आपने पढ़ी उसके संदर्भ में स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, ये पढ़े हैं, और उसकी विस्तृत जानकारी भी उसमें दी जा सकती है कि इन व्यंजनों को, स्वरों को उच्चारण के आधार पर किस तरह से बांटा गया है,
उसका विभाजन कैसे हुआ है, कि जिसे आप क्लासिफिकेशन कहते हैं, कि ये क्लासिफिकेशन या ये विभाजन किस आधार पर कैसे किया गया है, इनके उप प्रकार कौन से हैं, ये भी आप इसमें दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप अपनी ओर से अपने शब्दों में भी उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न देखिए कि संधि किसे कहा जाता है। बिल्कुल ही सामान्य सा ये प्रश्न है। स्वर संधि को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, व्यंजन संधि को सोदाहरण समझाइए। मूल रूप में संधि क्या है, ये अगर आपको समझ में आया है तो जरूर आप जो है स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और उन दोनों के उदाहरण कैसे लिखे जा सकते हैं, ये बिल्कुल आपको अलग रूप से फिर बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आगे आपने पढ़ा था शब्दों के संदर्भ में संधि की विसर्ग संधि होती है तो वो किस प्रकार से लिखी जाती है, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न। शब्दों में विसर्ग संधि किस प्रकार की होती है, हिंदी भाषा शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, किसी भी भाषा के लिखित और मौखिक रूप किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं, ये जो प्रश्न है किसी भी भाषा के लिखित और मौखिक रूप किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं, ये थोड़ा सा आपको सोचकर लिखना पड़ेगा कि लेखन के स्तर पर भाषा और कहने के स्तर पर की भाषा बिल्कुल अलग है। हमारी जो हिंदी है उसका मानक एक रूप बनाया गया है, एक व्याकरणिक स्तर उसका निश्चित किया गया है और लिखते समय उसका पालन हम करते हैं लेकिन बोलते समय नहीं करते हैं। बोलते समय हम उसे सहज बना देते हैं, स्वाभाविक बना देते हैं। अब इन दोनों में जो अंतर है वो आपको लिखना होगा। और उसी तरह से हिंदी भाषा शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये भी आपको लिखना होगा कि आप जो कुछ इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि स्वयं उसका अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ आप भाषा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं वो एक भाषा शिक्षण है, कि भाषा को आप बोलते जरूर है लेकिन भाषा के संदर्भ में आपका चिंतन नहीं है, भाषा के संदर्भ में आपने विचार नहीं किया है। और भाषा को सही रूप से बोलने के लिए जब ये चिंतन आरंभ हो जाता है तब हमें भाषा शिक्षण की एक केवल आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता महसूस होती है और हमें लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है। फिर आगे देखते हैं हिंदी भाषा की उच्चारण प्रणाली पर प्रकाश डालें कि उच्चारण प्रणाली किस प्रकार से है, उसमें फिर स्थान और प्रयत्न के आधार पर स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, बहुत ही विस्तार से उसमें देना है। साथ ही वाग यंत्र जो है उस भाषा के उच्चारण में कैसे काम आता है, ये भी संक्षेप में उसमें बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के वाग यंत्र की कार्य प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। कि वाग यंत्र का जो चित्र मैंने बताया था आपको, उसमें कई सारे बाण किए थे, कई सारे स्थानों के नाम दिए थे, सारे स्थानों के नाम आपको बिल्कुल याद करने होंगे। उस चित्र को भी अगर हो सके तो बार बार अभ्यास करके उसे हाथ से कैसे रेखांकित किया जा सकता है, उसे हाथ से कैसे आप बना सकते हैं, ये भी आपको बिल्कुल अवगत करना होगा। और उसके बाद उन सारे अवयवों का काम कैसे चलता है, ये आपको इसमें लिखना होगा। कि कार्य प्रणाली का अर्थ ही है कि हमारे उच्चारण के लिए जो अवयव काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये आपको हर एक अवयव के अनुसार लिखना है। कि फेफड़े हैं तो फेफड़ों का काम क्या है उच्चारण में, नासिका विवर है तो नासिका विवर का काम क्या है, ये आपको संक्षेप में लिखना होगा। अंततः मैं यही कहूंगी कि ये भाषा का जो पक्ष है ये काफी महत्वपूर्ण पक्ष है, कि वर्ण विचार एक पूरी इकाई जब आप पढ़ते हैं और पूरी इकाई में भाषा के मूल रूप से अंत तक के जो सारे घटक पढ़ते हैं, तत्व पढ़ते हैं, उनके संदर्भ में कई सारे उदाहरण देखते हैं और उस भाषा को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और ये केवल कोशिश के स्तर पर न रहे कि केवल यहाँ पर एक किसी पाठ्यक्रम पे दिया गया है इसलिए वो नहीं रहे,
बल्कि उससे भी आगे बढ़कर आपके आप भाषा के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी कि सीडैक में भाषा के संदर्भ में काम करने वाले लोग मौजूद होते हैं। हिंदी में आजकल अनेक ऐसे प्रोग्राम्स तैयार हो रहे हैं, अनेक सॉफ्टवेयर्स तैयार हो रहे हैं, और इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि अनेक पाठ्यक्रम भी हिंदी में तैयार हो रहे हैं। एमटेक जैसे पाठ्यक्रम अगर हिंदी में तैयार होते हैं, उसका कुछ प्रोग्रामिंग तैयार किया जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि भाषा के विद्यार्थियों के लिए कि वो उन सारे क्षेत्रों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। मतलब एक रोजगार का अवसर आपके लिए वहां पर खुल सकता है। और भाषा के संदर्भ में, भाषा विज्ञान में अनेक लोगों की आवश्यकता होती है जो भाषा पर रिसर्च करते हैं, भाषा पर अनुसंधान करते हैं। और एक बार भाषा के संदर्भ में अनेक जिज्ञासाओं का निर्माण होता रहे आपके मन में, तो वो एक अलग क्षेत्र आपके लिए खुल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान की एक अलग शाखा है। जैसे आप हमने औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान का एक हिस्सा देखा, वैसे ही पद विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, शब्द विज्ञान है। ये सारे जो अलग अलग शाखाएं हैं, ये शाखाएं भी कहीं ना कहीं उन भाषा के विद्यार्थियों को भविष्य में अपना रोजगार निर्माण करने के लिए अवसर उपलब्ध करा दे सकते हैं। इसलिए ये भाषा शिक्षण जो है केवल किसी भाषा को सीखने तक मर्यादित नहीं है, बल्कि उन अलग अलग क्षेत्रों की भी जानकारी देना यहाँ पर मैं आवश्यक समझती हूँ कि ये बहुत ही गहरे चिंतन के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग जा सकते हैं, बहुत कम लोग जाते भी हैं, क्योंकि बहुत सामान्य स्तर पर भाषा के बारे में यहाँ पर जाकर सोचा नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ अंतिम जो मैंने स्लाइड बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि भाषा के ये सारे जो पक्ष हैं, ये केवल परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इन पर गहरा चिंतन होने की आवश्यकता है, गहरा अध्ययन होने की आवश्यकता है। और अपने आप ही जब ये अध्ययन हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो है आपके मन में अनेक क्षेत्रों के संदर्भ में भाषा किस प्रकार से प्रयुक्त होती है, तो उसके बारे में जिज्ञासा निर्माण होगी और आप खुद उन सारे क्षेत्रों में कार्य करना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो है भाषा का ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा अवलोकन हो सकता है, और आपको भी इस संदर्भ में जो है पुनः पुनः सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए वर्ण विचार जो एक मैंने कहा कि इसको पुनरावलोकन इसीलिए कहा है कि ये जो है एक बार किसी भाषा के संदर्भ में बात करके या कहीं एक हिस्से को पढ़कर खत्म नहीं होने वाला है। जहां पर आप अध्ययन समाप्त करेंगे, वहां से आपकी सोच निर्माण होने वाली है। इसीलिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप इस भाषा के पक्ष को लेकर बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से और गहरा चिंतन करते हुए सोचें। और जैसे मैंने कहा कि ये सब कुछ जब सारी बातें आपके मन में पक्की हो जाती है, तो हम भाषा के जो प्रत्यक्ष पक्ष हैं कि भाषा विभिन्न प्रकार से हमारे सामने आती है, कि साहित्य की कई सारी विधाओं के माध्यम से सामने आती है, कि आप उपन्यास पढ़ते हैं, आप निबंध पढ़ते हैं, आप रेखा चित्र पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, और उसी तरह से आप लघु कथाएं भी पढ़ते हैं, गीत पढ़ते हैं। हमारे भाषा शिक्षण के इस पाठ्यक्रम में आपको इन दो का साहित्य प्रकारों को भी पढ़ना है, और बहुत ही सुंदर लघु कथाएं और गीत पढ़ने हैं कि जो हिंदी में अत्यंत लोकप्रिय है, कि जो आपको एक नई दृष्टि भाषा की तरफ देखने के लिए देने वाली है। कि लघु कथाएं किस प्रकार से पढ़ी जाती हैं, कुछ लघु कथाएं
बिल्कुल 5-6 पंक्तियों की भी होती है, कुछ लघु कथाएं जो है एक पृष्ठ की होती है, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं 300 शब्दों की। लेकिन वो लघु कथाएं जो है आपको किस प्रकार से एक मन में एक अलग प्रकार से विचार देती है, भाव को स्पर्श कर जाती है, और उसमें भी भाषा कैसे काम करती है। और दूसरे एक मैं जरूर यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, गीतों गीत भी जो है एक साहित्य का प्रकार है, काव्य का एक प्रकार है। और आप फिल्में देखते हैं और सीरियल देखते हैं, टीवी पर तमाम सारी चीजें देखते हैं, अनेक काव्य पंक्तियां आप किसी विज्ञापन में देखते हैं, फिल्मों के गीत आपको बिल्कुल अपनी जबान याद आते हैं। और वो क्यों आते हैं, उनमें ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि आप बिल्कुल आसानी से उसे याद रख पाते हैं? और केवल देखकर ही नहीं, हम उसे सुनकर याद करते हैं। तो सुनकर याद करने की भी पीछे वो कारण जो होता है वो भाषा ही होती है। उसमें एक लयात्मकता, संगीतात्मकता होती है, एक विशिष्ट नाद होता है। ये सब कुछ जो है भाषा के ही जुड़े हुए पक्ष हैं। इसलिए अगली जो हमारी इकाई है वो लघु कथाओं की इकाई है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। परंतु उसके पहले यहाँ पर हम लोग जरूर रुकेंगे, और आशा करती हूँ कि आपको ये पहली इकाई पूरी तरह से समझ में आई होगी और इस पर आप गहरा सोचेंगे, गहरा चिंतन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, और लघु कथाएं और गीतों के संदर्भ में हल्की सी एक बात जो मैंने आपके मन में बीज के रूप में दे दी है उस पर जरूर विचार करें कि बॉलीवुड का संगीत, बॉलीवुड के गीत आज दुनिया भर में क्यों मशहूर है। जो लोग भाषा को नहीं जानते हैं लेकिन उन गीतों को कैसे याद रखते हैं, और लघु कथाएं भी जो है कैसे मन पर एक अमीट छाप छोड़ देती हैं, उसके बारे में सोचने के लिए आप बिल्कुल आपका स्वागत है। और ये एक लघु कथा और गीत के संदर्भ में आप सोचना शुरू करें, और तब तक के लिए हम लोग रुकेंगे। नमस्कार।